पुरानी से पुरानी कब्ज का इलाज आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। कितनी भी पुरानी कब्ज हो, कैसी भी कब्ज हो, चाहे वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले लोग हों या फिर उनको आंतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जो पानी कम पीते हो या फिर जो फाइबर डाइट कम लेते हो, आंतों का मूवमेंट कम होने की वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत होती है, ऐसे सभी मरीजों के लिए आज के इस वीडियो में डिटेल में कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कब्ज होने पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कब्ज होने की वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस में आपको हेमरॉइड्स हो सकते हैं, खूनी पाइल्स हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, कई बार आपको एब्डोमिनल पेन होता है, कई बार आपको उल्टियाँ हो जाती हैं, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी से आने लगती है, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको कब्ज होने की वजह से हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिक एक कॉम्बिनेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं और किसी भी तरह की कब्ज हो मरीज को बहुत अच्छे तरीके से 4 बूंदें लेने पर सुबह उसकी जो पेट साफ है, जो स्टूल है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और उस मरीज को अच्छे तरीके से उसका पेट साफ हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको जानकारी पूरी ना मिले और आपको फायदा न मिल पाए। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि होता क्या है कई बार कि हम आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा वीडियो देख नहीं पाते या मेडिसिन हम समझ नहीं पाते हैं या कॉज जो होते हैं, कारण होते हैं, उन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कई बार काफ़ी सारी चीज़ों का परेशानी होती है, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता है, तो आपको लगता है कि मेडिसिन सही नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी वीडियो को अगर आप कहीं भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आधी अधूरी जानकारी आपको थोड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। अब समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सी दवाइयाँ होती हैं जिनसे हम अपने पेट को साफ कर सकते हैं, अपनी कब्ज जो आपको हो रही है, जो आपको कब्ज की शिकायत हो रही है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि कारण क्या होता है, और अगर कारण आप समझ जाएँ तो आधी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको अगर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 4 कैटेगरीज होती हैं। एक नंबर 1 कैटेगरीज होती है जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, यानी कि जो आईटी प्रोफेशंस में हैं या जो लोग बहुत हाईली प्रोफाइल्ड हैं, उनको कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो केवल एक ही कुर्सी पर बैठ के सारा काम करते हैं, एक ही डेस्क पर बैठ करके सारा काम करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको अगर कब्ज होती है तो ये कॉमन बात होती है, क्योंकि उनका मूवमेंट ही इतना नहीं है और आंतों का मूवमेंट भी सही तरीके से नहीं होगा, फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, तो आपको कब्ज होने की शिकायत सबसे ज़्यादा रहती है। नंबर 2 कैटेगरी में आते हैं जो पानी ज़्यादा पीते हैं लेकिन उनको तब भी कब्ज होती है। कॉम्प्लिकेटेड है ना कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं उसके बाद भी उनको कब्ज हो रही है, तो आप सोचिएगा कि ऐसा कौन सा मरीज होगा। एक्चुअली में होता क्या उनके साथ में कि उनकी जो आंतें होती हैं उसका मूवमेंट कम हो जाता है, पानी ज़्यादा पी रहे हैं या इरेगुलर हो जाता है। तो पानी ज़्यादा पी रहे हैं या कम पी रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उसके बाद भी उनको कब्ज होती है तो उनकी आंतों का जो मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर मूवमेंट होने की वजह से जो पानी आप पी रहे हैं वो ज़्यादा अवशोषित हो जाता है और वहाँ पर जो हमारा स्टूल होता है, जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा था वो ड्राई होने लगता है और धीरे 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 बहुत स्लोली प्रोसेस से वो रेक्टम की तरफ जाता है, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तेली चीज़ें खाते हैं, मैदा वाली चीज़ें खाते हैं और उनको मना करने पर भी उनको इन चीज़ों से दूरी नहीं बनाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मैदा आप खाएंगे तो आंतों के अंदर ये जाकर चिपकता है, वहाँ के जो पोर्स होते हैं उन्हें ये बंद कर देता है, जिसके वजह से जो केमिकल्स निकलने होते हैं, जो जूसेस निकलने होते हैं या जो पानी एब्जॉर्ब होना होता है या जो और भी चीज़ें हमारी डाइजेशन के लिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है, उनको भी ये स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से कब्ज होने की शिकायत आपको बढ़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नंबर 4 कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो पानी का सेवन ही कम करते हैं। अब पानी अगर कम पी रहे हैं तो आप समझिएगा कि आंतों में जब पानी नहीं जाएगा
होगा तो वहां पर अवशोषित भी नहीं होगा, और अवशोषित नहीं होगा क्योंकि पानी नहीं है, तो पानी नहीं होगा, ऊपर से अगर अवशोषित और ज्यादा करा दें तो अवशोषण और ज्यादा करा दें तो फिर आप सोचिएगा कि और ज्यादा पानी की कमी आएगी हाथों के अंदर। तो पानी ऑलरेडी ऊपर से ही मरीज कम ले रहा है, और ऐसी कंडीशन में पानी नहीं जाएगा तो आंतों के अंदर जो मल है वो सूख जाएगा, और धीरे धीरे लंबी प्रोसेस में वो बहुत स्लोली रेक्टम की तरफ बढ़ता है, जिससे कि आप मरीज को या जो पेशेंट ऐसे वीडियोस देख रहे हैं उनको ये समस्या देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए पांच चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, चार कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया पेशेंट को, पांच चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली चीज है, जो लोग पानी कम पीते हैं वो अपना पानी बढ़ाएं, और जब पानी बढ़ाएंगे तो पानी आपको एकदम से नहीं पीना है कि हमने 2 लीटर या आधा लीटर या 1 लीटर पानी हमने 1-2 घंटे के अंदर ही पी लिया, ये नहीं कर रहे हैं आपको। एक एक गिलास थोड़ा थोड़ा करके पानी आपको सिप करके पानी पीना है, जिससे कि ये पानी आपके आंतों में जाए और सही तरीके से काम कर पाए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग ज़्यादा पानी पी रहे हैं वो आंतों के मूवमेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटी करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करेंगे, जैसे एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एक कॉमन प्रोसीजर बताता हूँ, आपने देखा होगा एक बॉटल होता है, बॉटल में हल्का सा गुनगुना पानी भर के आप अपने पेट पर फेर सकते हैं, उससे क्या होगा, कांच की बॉटल मत लेना क्योंकि वो फूट सकती है तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हल्की प्लास्टिक में जो बॉटल आता है उसमें थोड़ा गुनगुना पानी भर के आप अपने पेट पर उसे फेर सकते हैं, जिससे कि आंतों का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, आंतों को कुछ नई चीज़ मिलेगी जिससे आंतों का मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो आपकी कब्ज जो है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद में मेडिसिन में आपको बताने वाला हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जिनको एक ही डेस्क पर बैठ के सारा काम करना होता है, उन लोगों से मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। एक ही जगह पर बैठ के अगर आप लंबे समय तक वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, काफ़ी सारी बीमारियाँ आएंगी, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा काफ़ी सारी कब्ज की शिकायत है, भूख न लगना, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत चलते फिरते रहें और एक ही जगह बैठ के सारा काम न करें, मतलब करें सारा काम लेकिन 20 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घूम लो। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर रहती है, और थोड़ा शरीर चलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैदा वाली चीज़ें टोटल बंद कर दी, जिनको भी कब्ज रहती है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको कब्जियत है, वो मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से जो मैदा वाली चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपर बंद करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, और कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी एक सीवियस सिचुएशन होती है जिसमें आपका ऑपरेशन तक भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखें। और अगर बात करें मेडिसिंस के बारे में, तो कौन से मेडिसिंस हम लेने वाले हैं और कौन से मेडिसिंस हम ले सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एल्यूमिना 30 पोटेंसी में आप लीजिएगा, एल्यूमिना 30 पोटेंसी, नक्स भूमिका 30 पोटेंसी, और इसके साथ में जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्रायोनिया अल्वा ओपियम, एंड इसके बाद में आपको लेना है नक्स भूमिका। और ये तीनों चारों मेडिसिंस को आप अच्छे तरीके से एक छोटी सी फाइल में 30 ml की फाइल में मिक्स कर लीजिएगा, अप्रॉक्स 10-10 ml के आसपास आप इसे मिक्स कर लीजिए, 10 ml इसमें से, 10 ml इसमें से, 10 ml इसमें से, आप एक बोतल में इसे मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से मिला के रख लीजिएगा। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो शाम को केवल 5 से 7 बूंदें आपको डायरेक्ट टंग पर ले लेनी है, या फिर आधे कप पानी में आपको ले लेना है। आप ये मान के चलिए सुबह आपका पेट साफ होना तय है, बहुत अच्छे तरीके से आपका पेट साफ होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर भागती चली जाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको नहीं होगी। इस चीज़ को आपको याद रखें। मेडिसिन में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, नक्स भूमिका लेना है, ब्रायोनिया एल्वा लेना है, और इसके साथ में आपको मेडिसिन लेनी है एल्यूमिना। तो ये तीनों चारों मेडिसिन को आप मिक्स करके लीजिएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सारी मेडिसिन 30 पोटेंसी में आपको लेनी है, और जिनको लंबी कॉन्स्टिपेशन है, लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग 10 से 15 दिन के लिए
चार से छह ड्रॉप्स ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, या फिर वो लोग आधे कप पानी में मिला करके ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और उनकी ये समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, वो समस्या प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी। और याद रखना होगा कि इन चीज़ों में हमें कुछ लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी होगी। थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल भी चेंज करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा और बेटर तरीके से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो परफॉर्म कर पाएगी और आपको अच्छे मेडिसिन के रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।